औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में इन दिनों आयसर चौराहा से डाक बंगला तक महू नीमच हाईवे के दोनों ओर सर्विस रोड को बनाया जा रहा है। आयसर कंपनी की तरफ से सर्विस रोड बनकर तैयार हो चुका है, वहीं दूसरी ओर भी सर्विस रोड का काम शुरू हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ के सर्विस रोड को बनाने में काफी बाधा आ रही है। मकान, दुकान, होटल आदि कुछ लोगों द्वारा तो अपनी स्वेच्छा से तोड़ लिया गया है, लेकिन वही घर सत्ताधारी पार्टियों से जुड़े हुए लोग कहीं नाली को टर्न करवा रहे हैं, कहीं रोड को आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। सत्ताधारी पार्टी के समर्थक एक नामचीन हार्डवेयर के मालिक द्वारा नाली को किस तरह टेढ़ा करवा दिया गया है, वहीं इसी हार्डवेयर से थोड़ी आगे है सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए नेताजी के खास उनकी एक होटल है, जहां वह सर्विस रोड के साइड बन रही नाली का निर्माण ही नहीं होने दे रहे हैं। इसी प्रकार शहर भर के विकास कार्यों में देखने को मिल रहा है, जहां सत्ताधारी पार्टी के खास गुर्गे होते हैं वहां पर नगरपालिका समझौता कर लेती है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी के अगर कोई समर्थक है या आम आदमी उन्हें बख्शा नहीं जाता है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सर्विस रोड का काम चालू है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत होती है? बहुत ज्यादा दिक्कत है भैया, इधर तो मतलब ये दो दो तरफ आ जाते हैं, इधर इधर इतनी मतलब जाम होता है, इतनी गाड़ी सड़कें बनती है, इधर दो चार फीट गली है खाली, वो इधर का छोड़ के इधर सर्विस रोड खोदने लग गए, मतलब कोई सुनवाई नहीं, कोई देख नहीं, कोई ढाक नहीं, जनता आम जनता परेशान हो रही है, जो बाहर के लोग वो भी परेशान है, उनका भी धंधा रोजगार चलता है इसी से, उनको भी परेशान है, धंधा तो करना पड़ता है। कितने समय से परेशान हो रहे हैं आप लोग? साल डेढ़ साल, दो साल करीब हो गया। अच्छा, हाँ, अभी तक रोड नहीं बन पाई, कोई रोड, इसके तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मतलब इधर तो कोई देखते ही नहीं है, ये सर्विस रोड खुदवा के पता नहीं, इधर तो देख नहीं रहे, इधर बरसों से ही पड़ा है, छोटी सी गली में बरसों से निकल रहे हैं। आपका नाम? मेरा जमीन अभी पूर्व पार्षद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।